बात मेरे प्यारे बच्चों, आज है मंगलवार और आज बारी है हिंदी पढ़ने की। बच्चों, आज की क्लास में मैं आपको पढ़ाऊंगी स्वर के अक्षर अ से अह, व्यंजन क से ड़, च से इया और ट से ड़ को चित्रों के माध्यम से पढ़ना और पहचानना। इसके साथ ही दो अक्षर के शब्दों की भी रीडिंग हम करेंगे। बच्चों, रिटन में आज मैं आपको सिखाऊंगी ख। आज आप एक नया अक्षर सीखेंगे और वो है ख। इसके साथ ही हम हमारी हिंदी की कविता आम का भी अभ्यास करेंगे। तो बच्चों, चलो हम हमारी हिंदी की क्लास शुरू करते हैं। बच्चों, सबसे पहले हम हिंदी पढ़ेंगे, तो पहले आप अपनी हिंदी की आओ पढ़ो स्वर और व्यंजन वाली बुक लेके आओ। बच्चों, चलो अब आप पेज नंबर 3 इसका ओपन करो बुक का, अपनी हिंदी पढ़ो और सीखो बुक का, और हम चलो जल्दी से हम रिवाइज करते हैं। पहले हम स्वर पढ़ेंगे, आप भी मेरे साथ बोलो अ आ छोटी ई बड़ी ई छोटा उ बड़ा उ, री ए ऐ ओ औ अंग अह। ये है अ से लेके अह तक के सारे स्वर। अब हम व्यंजन पढ़ना शुरू करते हैं। व्यंजन की पहली लाइन शुरू होती है क से, क ख ग घ अड़, ये तो आप पहचाना सीख गए हैं। अब है दूसरी लाइन की बारी जो शुरू होती है च से, च छ ज झ इया, इसकी भी रीडिंग हमने कई बार की है। आज हम शुरू करते हैं तीसरी लाइन को पढ़ना जो शुरू होता है ट से। देखो आप, ये जो अक्षर है इसको कहते हैं ट, उसके बाद है ठ ठ ड, इसको कहते हैं ड, अब ये है ढ और अब आया अड़। बच्चों, अब हम व्यंजन को हम चित्रों के साथ पढ़ना सीखते हैं, तो आप निकालो पेज नंबर 22। बच्चों, अब हम पढ़ना शुरू करते हैं। ये देखो है क, क से कलम, क से कछुआ, क से कमल, क से कलश, क से कटोरी और क से कबूतर। नीचे वाले शब्द पढ़ते हैं, एक एक, अंक अंक, कई कई, क के बाद आता है ख, ख से खटमल, ख से खटखटाना, ख से खटिया, ख से खरगोश और ख से खरबूजा। नीचे वाला अक्षर पढ़ते हैं ई ख ईख, ख के बाद आता है ग, ग से गज, ग से गन्ना, ग से गधा, ग से गाजर, ग से गाय और ग से गमला। अब ये देखो आप, जो नीचे शब्द हैं आग आग, उग उग, गऊ गऊ, इसको ऐसे ही बोलना है। अब है घ, ये क्या है घ, घ से घटा, घ से घड़ा, घ से घबराना, घ से घर, घ से घड़ियाल और घ से घड़ी। अड़ा है खाली, बजा बच्चों अब बजाओ ताली। इसके बाद हम फिर से पेज को आगे टर्न करेंगे। अब दूसरी लाइन का पहला अक्षर आता है च, च से चाचा, च से चाची, च से चम्मच, च से चटनी, च से चटाई, च से चप्पल, च से चाबी। नीचे वाले शब्द पढ़ते हैं च ख चख, च म चम चम चम। अब बारी आती है छ की, छ से छतरी, छ से छड़ी, छ से छत, छ से छिपकली, छ से छलनी। पढ़ाना आपने, अब वापस से पेज को टर्न करो। अगला अक्षर आता है ज, ज से जामुन, ज से जिराफ, ज से जहाज, ज से जंगल, ज से जल और ज से जग। नीचे वाले शब्द पढ़ेंगे ज ग जग और ग ज गज। बच्चों, अब है अगला अक्षर जिसका नाम है झ, झ से झंडा, झ से झूला, झ से झरना और झ से झाड़ू। ये क्या है, ये है इया, इया है खाली, बच्चों अब बजाओ ताली। ये सारी एक्टिविटी तो हमने कर ली है। अब हम आते हैं पेज नंबर 34 पे। बच्चों देखो आप, ये क्या है पेज नंबर 34। अब हम पढ़ना शुरू करते हैं। देखो आप, ट से क्या क्या चीजें होती हैं, ट, ट से टायर, ट से टब, ट से टोकरी और टोकरी में क्या है, ट से टमाटर, देखा आपने। अब नीचे वाले अक्षर पढ़ते हैं,
शब्द को पढ़ेंगे हम, दो अक्षर को मिला के एक शब्द बना है, झ ट झट, ये बन गया एक शब्द झ ट झट। अब है ओ ट, ओ ट को मिला के बन गया एक शब्द ओ ट ओट। घ ट घट, घ ट घट। झ ट प ट झटपट, समझ में आया आपको। ट के बाद आता है ठ, देखो आप ये क्या है ठ, ठ से ठग। देखो ये बेचारा आदमी सब्जी बेच रहा है और पीछे से एक आदमी ने आके चोरी कर ली, तो ये चोरी करने वाला कौन है, ये है ठग। ठ से ठेला, ये आदमी ठेला चला रहा है, ठ से ठेला। ठ से ठठेरा, जो लोग बर्तन बनाते हैं उनको बोलते हैं ठठेरा। ठ से ठोडी, चिन को हिंदी में क्या बोलते हैं, ठोडी। अब हम ये शब्द पढ़ते हैं, ओ ठ ओठ, आठ आठ, एट को हिंदी में हम क्या बोलते हैं, आठ। बच्चों अब फिर से पेज को टर्न करो, ये आया ड, क्या है ये ड, ड से डाल, ड से डायरी, ड से डब्बा, ड से डंडा, ड से डगर, रास्ते को रोड को बोलते हैं डगर। ड से डमरू और ड से डबल रोटी, ब्रेड को हिंदी में बोलते हैं डबल रोटी। अब आया ढ, ढ से ढक्कन, ढ से ढोलक और ढ से ढमढम, ये जो शब्द है इसको पढ़ते हैं हम ढ क ढक। अब है अड़, अड़ है खाली, बच्चों अब बजाओ ताली। इस तरह से बच्चों आपको रीडिंग करनी है, इसका वीडियो बनाना है और मुझे भेजना है। बच्चों आज मैं आपको व्यंजन का अक्षर ख लिखना सिखा रही हूँ। आज की डेट है 27 अक्टूबर 2020 और ख से क्या क्या होता है आपको पता है ना, ख से खरबूजा, ख से खटमल, ख से खटखटाना, ख से खटिया, तो आपको मालूम है, और ख से खरबूजा, ख से खरगोश। तो चलो अब मैं आपको सिखाती हूँ कि ख कैसे लिखेंगे, बोर्ड की तरफ आपको बिल्कुल ध्यान से देखना है, ठीक है। मैं आपको बिल्कुल इजी और सिंपल वे में सिखा रही हूँ ख कैसे लिखेंगे। बच्चों अपनी पेंसिल को आपको ब्लू लाइन पे रखना है और यहां से आपको एक छोटा सी बनाना है, देखो ऐसे, बस इतनी दूर में। इसके बाद हमको यहां से इसकी एक पूंछ निकालनी है ऐसे, और नीचे वाले ब्लू लाइन तक जाके इसको टच करना है, और यहां से हमको ऐसे ऊपर जाना है, और ऊपर जाके हमको ब्लू लाइन को टच करके फिर सीधी लाइन बनानी है ऐसे, फिर हमको हाथ हटा लेना है। अब यहाँ पे हमको बीच में एक छोटा सी बना के इस लाइन पे टच कर देना है, इस तरह से ऐसे आपको लिखना है ख, और फिर आपको छत लगा देनी है इस तरह से। मैं फिर से बताती हूँ, ब्लू लाइन पे आपने पेंसिल रखी, पहले आपने बनाया छोटा सा सी ऐसे, अब यहां से आपको नीचे की तरफ जाके इसकी पूंछ निकालनी है और ऐसे इस ब्लू लाइन पे टच करते हुए यहां से नीचे से ऊपर जाना है ऐसे। अब आप ब्लू लाइन, ऊपर वाली ब्लू लाइन को आपने टच किया, फिर उसी लाइन पे आपको एक स्टैंडिंग लाइन बनानी है इस तरह से, और बीच में एक सेमी सर्कल या सी बनाना है ऐसे आपने किया, और उसके बाद छत लगा देनी है। फिर से देखो आप, यूं यूं ऊपर जाएंगे, फिर नीचे आएंगे, और फिर बीच में ऐसे सेमी सर्कल बना देंगे, इस तरह से आपको ख लिखना है। यूं क्या, ऊपर जाएंगे फिर नीचे आएंगे, अब ऐसे देखो। अब ये आपने अगर इसको, अगर आप ऐसे लिखोगे यूं किया और ये इतना बड़ा बना के इसको टच करोगे तो रॉन्ग हो जाएगा, ऐसे नहीं लिखना है, ऐसे किया, ऐसे ये है ख। अब मैं आपको नोटबुक में लिख के दिखाती हूँ। बच्चों हिंदी में आज हम ख लिखेंगे नोटबुक में। ये लिखना शुरू करने से पहले हम आज की डेट लिखते हैं, आज क्या है 27 अक्टूबर, ऐसे आपको डेट लिखना है। अब स्टार्ट करते हैं ख लिखना, देखो और आपको इस नोटबुक का जो पेज है उसकी फर्स्ट 7 लाइंस में ही लिखना है, ठीक है, जो फर्स्ट 7 लाइंस हैं उसमें ही ख लिखना है। अब स्टार्ट करते हैं, डॉट पे पेंसिल रखेंगे और पहले बनाएंगे छोटा उल्टा सी,
या एक सेमी सर्कल ऐसे बनाया। अब इसको हम नीचे की तरफ ले जाएंगे, ऐसे इस ब्लू लाइन को हमने टच किया। अब यहाँ से हम ऊपर चलेंगे ऐसे, और हमें एक स्टैंडिंग लाइन बनानी है और हाथ हटा लेना है। अब बीच में हमको एक वापस से सी बनाना है इस लाइन पे छोटा सा ऐसे, और फिर छत लगा देनी है। इस तरह से आपको ख लिखना है, देखो आप यूं ऐसे गए, यहाँ पे हमने टच किया, इसकी पूंछ निकाल के और इसको हम ऊपर की तरफ ले जाएंगे, और फिर उसी लाइन पे हम नीचे आ जाएंगे ऐसे, और हाथ हटा लेंगे और बीच में एक छोटा सा सी बना देंगे। हम पहले उल्टा सी से शुरुआत करेंगे ऐसे, यूं नीचे गए, फिर ऊपर गए, फिर ऊपर से नीचे सेम लाइन पे आएंगे और हाथ हटा लेंगे, और बीच में ऐसे एक सेमी सर्कल या सी बना देंगे। इस तरह से आपको ख लिखना है, देखो। ऐसे और फिर छत लगानी है। न्यू और ऐसे, तो ये देखो आप, हमने फर्स्ट जो 7 ब्लॉक्स हैं इस फर्स्ट लाइन की कर ली है। अब सेकेंड लाइन पे आ गए हैं। ख से क्या क्या होता है ये भी आपको रिवाइज करना है, बोलना है। ख से खटिया, ख से खटमल, ख से खटखटाना, ख से खरबूजा और ख से खरगोश। इस तरह से आपको ख लिखना है बच्चों। पहले उल्टा सी बनाया, फिर उसकी लंबी पूंछ निकाली और नीचे वाली ब्लू लाइन पे गए, फिर यहाँ से ऊपर की तरफ जाएंगे और ऊपर टच किया, फिर हमको इसी पे स्टैंडिंग लाइन बना देनी है और हाथ हटाना है, और फिर यहाँ पे एक छोटा सा सी बना के लाइन को टच करना है ऐसे। बच्चों देखो, अब मैं लास्ट लाइन में लिख रही हूँ, फिर से आप बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। पहले बनाया उल्टा सी, फिर उसकी लंबी पूंछ निकाली और ये आई ब्लू लाइन पे, यहाँ से हमको ऊपर जाना है, ऊपर वाली ब्लू लाइन को टच किया हमने, और सेम इसी लाइन से हमको नीचे आना है, एक स्टैंडिंग लाइन बना देनी है और एक सेमी सर्कल बनाना है इस तरह से। ये हमने लिखा है ख। बच्चों इस तरह से आपको ख लिखना है, और फर्स्ट 7 लाइंस में ही लिखना है इस पेज की, इसको लिखना है, इसकी पिक्चर लेनी है और मुझे भेजनी है। चलो नाउ इट्स प्रैक्टिस टाइम। सो इन टुडेज प्रैक्टिस वर्क इन इंग्लिश वी विल राइट कैपिटल ए टू जेड फॉर आवर प्रैक्टिस। फर्स्ट राइट टुडेज डेट, टुडे इज 27th October 2020, लाइक दिस। यू हैव टू राइट डेट एंड देन we will start writing alphabet from A. A, after A comes B, speak and write. C, D, E, now comes F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, and now comes Z.
Children, in this way you have to write A to Z. Write it, take its picture and send it to me. बच्चों अब बारी है हमारी कविता आम का अभ्यास करने की। इसका हम एक्शन के साथ अभ्यास करेंगे और आपको भी इसे मेरे साथ करना है, ठीक है? तो चलो स्टार्ट करते हैं। पीला रंग रंगीला आम, होता बड़ा रसीला आम, चूसो खाओ ताजा आम, सभी फलों का राजा आम। एक बार फिर से बोलते हैं, पीला रंग रंगीला आम, होता बड़ा रसीला आम, चूसो खाओ ताजा आम, सभी फलों का राजा आम। बच्चों इस तरह से ये कविता एक्शन के साथ आपको बोलनी है और इसका वीडियो बनाना है और मुझे भेजना है। मैं आपसे आपकी अगली क्लास में मिलती हूँ। बाय।